पिछली क्लास में हम लोग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। इस फेयर में आपस में चार्ज कैसे शेयरिंग होती है वो हमने देखी थी। फिर पैरेलल प्लेट को आमने सामने रख देते हैं तो कैसे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है वो देखा। हाँ, पैरेलल प्लेट अभी रिपीट करेंगे, वो तो उसके और एग्जांपल हैं। देखो भाई किस तरह से, मान लो हमसे कहा जा रहा है कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स, क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। इससे पहले देखो क्या है, अपन एक मेटल मेटालिक प्लेट की, इनफाइनाइटली लार्ज मेटालिक प्लेट, इनफाइनाइटली लार्ज मेटालिक प्लेट इज गिवन अ चार्ज चार्ज क्यू, इट्स एरिया इज ए, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ई नियर द प्लेट, पहले तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है और इस प्लेट के आसपास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वो हमें पता। सर परमिशन दो ना। तो देखो क्या है। हाँ सर भाई, हाँ भाई, परमिशन दो ना। ये इसका चार्ज है क्यू। अब देखो ये चार्ज कहाँ रहेगा, क्या प्लेट के अंदर जा सकता है, क्या ये चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्लेट चार्ज जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई, क्या कारण है इसका? किसी भी कंडक्टर के बल्क में कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होना चाहिए तो वो कंडक्टर वाले रूल्स वॉयलेट करेगा। कंडक्टर के अंदर बल्क में तो चार्ज नहीं जा सकता। ई इनसाइड जीरो है तो फाई जीरो होना चाहिए, फाई जीरो है तो क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए।
तो चार्ज मतलब कहाँ पे हो सकता है बच्चों, ये क्यू चार्ज कहाँ पे अपीयर होगा? सरफेस, ओनली एट द सरफेस। और हमें सोचना है कि भाई लेफ्ट सरफेस पे आएगा कि राइट सरफेस पे आएगा। तो देखो लेफ्ट पे आए राइट पे आए जैसा भी आए, बस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होना चाहिए? जीरो। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूरा लेफ्ट में आ गया या पूरा राइट में आ गया तो इसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा, और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तब भी जीरो नहीं हो पाएगा, तो आधा आधा दोनों पे आना चाहिए। चार्ज जो होना चाहिए वो आधा आधा ही आना चाहिए ना दोनों दोनों, तभी ई जीरो हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हाफ डिवाइड हो जाना। अब हाफ डिवाइड हो गया, इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं टू मेक इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर जीरो, the charge capital Q must get divided equally onto surfaces। लेकिन ऐसा किसके लिए है? जब प्लेट्स आइसोलेटेड, मतलब और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स या और कोई चार्ज यहां पर प्रेजेंट नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ द सरफेसेस विल बी इक्वल। होगा कि नहीं बच्चों? और वो कितनी आएगी? Q by 2 divided by area, तो Q by 2A के बराबर, जहां पर इसका भी एरिया A है, इधर का भी एरिया, ये वैल्यू आएगी किसकी? सिग्मा। दोनों जगह पर सिग्मा इतना आए। अब क्या है, आपको यहां पर कोई पॉइंट A लिया, ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा दी, तो दो सरफेसेस हो गई, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है, तो ई एट ए को क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ सिग्मा अगर लिखना है तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना है आपको तो सिग्मा को क्यू बाई टू ए लिख दो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन। क्या ये मुद्दा सबको समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है, चार्ज के टर्म्स में तो q by 2a epsilon not ही आंसर रहेगा, सिग्मा के टर्म्स में होगा सिग्मा by 2 epsilon, सिग्मा by epsilon, है ना, सिग्मा by epsilon। अगले पेज पे चलें बच्चों। एक मिनट सर। ओके ओके,
अब देखो बेटा, इसमें एक चीज ध्यान दो कि आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेट has surface charge density sigma, then find E due to that plate. तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा E is equal to sigma by epsilon naught. Reason being के क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इसमें ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि चार्ज डेंसिटी सिर्फ एक तरफ रह पाए. जो भी डेंसिटी सिग्मा कही जा रही है वो दोनों तरफ रहेगी. तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ क्यों रहेगी? अभी मैंने समझाया. लेकिन आपसे कह दिया जाए कि अ लार्ज conducting plate having surface area A and charge Q find E due to the plate. तो कैसे करेंगे भाई इसको? इसका आंसर हो जाएगा E is equal to Q by 2A epsilon. Is equal to Q by 2A epsilon naught. क्यों? जो भी आप चार्ज दोगे वो आधा आधा दोनों तरफ आ जाएगा. तो ठीक है, इससे भी आंसर आता है. ये दोनों चीज मैंने अभी आपको, अब देखो कंफ्यूजन कहां से चल. कोई कहता है भाई an infinitely large non-conducting plate. Non-conducting plate बोल सकता है या simply plate भी बोल सकता है. सिर्फ plate लिखा हुआ है तो non-conducting ही मानना है. has surface charge density
find intensity of electric field due to the plate. Find intensity of electric field due to the तो देखो जब ये कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका मतलब ये इम्प्लाइड होता है कि एक तरफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ सिग्मा है सारा और एक तरफ जीरो, तो ऐसे केस में ई हो जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राइट में ही सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा, लेफ्ट में भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा, वो दोनों साइड प्रोड्यूस कर देगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लेफ्ट वाला राइट वाला राइट में प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट में प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो दोनों जगह पर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो देखो हमने जो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट की वजह से फॉर्मूला ड्राइव किया था सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, उस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया है क्या? उस फॉर्मूले में कोई चेंज आया क्या? देयर इज नो चेंज इन दैट फॉर्मूला। इफ एवरीवन रिमेंबर्स वो फॉर्मूले ड्राइव करते समय भी हमने कहा था कि प्लेट में एक तरफ चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उस एक तरफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, वही फॉर्मूला हम अभी यूज कर रहे हैं। बस अब हमें एक चीज का नई बात पता चली है कि क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट में हम एक तरफ चार्ज डेंसिटी दे ही नहीं पाएंगे, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट को जो भी चार्ज डेंसिटी दोगे वो दोनों तरफ अपने आप ही बराबर बराबर चली जाएगी, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही। और मालूम हमसे कहा जाए एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट हैविंग एरिया ए हैज चार्ज क्यू, देन फाइंड ई ड्यू टू द प्लेट। तो इसका क्या आंसर होगा? इसको चार्ज क्यों दोगे तो यानी ए की तरफ चार्ज क्यों दिया, तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी क्यू डिवाइडेड बाय ए, तो ए कितना हो जाएगा क्यू बाय ए सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन। तो देखो टोटल चार्ज के टर्म्स में अगर आप देखो कंपेयर दीज टू, टोटल चार्ज के टर्म्स में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, वो Q by 2 epsilon not ही है, भले ही वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो चार्ज। एक साइड को जीरो कर दिया बेटे, मतलब वो क्या है ये, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि एक साइड पे जीरो क्यों आया, है ना, बस ये बता रहा हूं कि इसका what they are trying to imply, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जनरली इसका मतलब क्या निकाला जाता है जब हमसे कहा जाता है कि ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो वी जनरली अज्यूम के एक तरफ सिग्मा है दूसरी तरफ डेंसिटी नहीं है, ऐसा अज्यूम करते हैं। स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड फ्रेज है इसका मतलब, ये कोई साइंटिफिकली नहीं पता किया अपन ने कि एक तरफ सिग्मा एक तरफ जीरो कैसे आए,
बस नॉन कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, आप जिधर चार्ज डेंसिटी दे दोगे उधर ही रह जाएगी, वो अपने आप रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये बोल सकते हैं. इन व्हाटएवर वे आई प्रोवाइड द चार्ज डेंसिटी, इट विल रिमेन दैट वे ओनली फॉर अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इट इज नॉट गोइंग टू रिडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ. सेकेंड एग्जाम्पल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, अरे यार कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग में तो हो गई आधा आधा आएगा. कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग में तो आधा आधा आए आइसोलेटेड. क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा देखो तुम ऐसे सोच, मान लो कि मैं एक और सवाल लेता हूं, ठीक है. क्या है, मान लो हमसे कहा जाए अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैज सरफेस एरिया ए एंड चार्ज One and Q2 on its group surface. And charge Q1 and Q2 on its group surface. Find the intensity of क्या होगा बेटे, ये प्लेट है, इस पे चार्ज है, इधर है क्यू वन, इधर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाओ, तो क्या होगा, दोनों तरफ सिग्मा भी अलग अलग होगा. इधर सिग्मा वन को लिख देंगे क्यू वन बाई ए, सिग्मा टू को लिख देंगे Q2 by A, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन. सिग्मा वन को लिख दो Q1 by A बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू को लिख दो Q2 by A बाई टू एप्सिलॉन A divided by 2 epsilon. तो ये कितना हो जाएगा, Q1 plus Q2 divided by 2A epsilon. ये intensity of electric field. Q1 plus Q2 divided by, या इसको simply समझो आप Q total by 2 epsilon naught लिख दिया, है ना? तो in terms of total charge intensity of electric field का expression हमेशा उतना ही है, Q total by 2 epsilon naught, irrespective of howsoever that electric field gets distributed on the two surfaces, पूरा का पूरा Q total एक पे आ जाए, या आधा आधा दोनों पे चला जाए, या एक पे Q1 दूसरा पे Q2 चला जाए. In terms of total charge, electric intensity of electric field remains the same, Q total by 2A epsilon. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपने को साइन के साथ ही करना है, एक पे अगर प्लस है दूसरे पे नेगेटिव तो ऐड करने की जगह वो मतलब चार्ज कम हो जाएगा.
ये नोट कर लिया बच्चों सबने? वेट सर, सर तो ये एक सिंगल प्लेट के बारे में तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, किसी भी तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछे आप आंसर कर दोगे उसका, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज दे दिया जाए सिग्मा दे दिया जाए, है ना? एक अकेली प्लेट का तो मुद्दा समझ में आया है आपने, ठीक है। अब उस मुद्दे पे आते हैं कि दो या तीन प्लेट आमने सामने रख दी गई हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखो क्या है, दो प्लेट की बात मान लो, एक को एक के पास टोटल चार्ज है Q1, दूसरे के पास है टोटल चार्ज Q2, दीज आर इनफाइनाइटली लार्ज, कंडक्टिंग प्लेट्स, अब जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि इन पे चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। देखो बच्चों, आप ऐसा कर सकते हो कि ये चार सरफेसेस हैं X, Y, Z, W, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा ऐसा चार्ज इन चारों पे आ गया है। वैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि X बराबर होगा W के और y बराबर होगा माइनस z के, और इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब x और w दोनों q1 plus q2 by 2 के बराबर, x और w दोनों q1 plus q2 by 2 के बराबर। अब ये कैसे इस कंक्लूजन पे अपन पहुंचे थे वो उसका लॉजिक को समझते हैं अपन। देखो क्या करें हम कि एक इस तरह की एक गॉशियन सरफेस बनाए, कंस्ट्रक्ट अ गॉशियन सरफेस लाइक दिस। क्यूबिकल टाइप की बना रहे हैं अपन, क्यूबॉइड टाइप या क्यूबिकल टाइप जैसा।
देखो ऐसा, मैंने इस तरह का कोई क्यूब बना दिया, ठीक है। अब इस क्यूब को मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। क्या ये जो मैंने क्यूब कंसिडर किया है, इस क्यूब में से फ्लक्स जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो क्यूब हैज सिक्स फेसेस, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब का मतलब क्या है? समेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब। कौन कौन सी सरफेस है क्यूब में से? ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ए डी ई एच, बी सी एफ जी। इन सरफेसेस के लिए तो क्या है, ई वेक्टर इज ग्रेजिंग दीज फोर सरफेसेस। क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इन फोर सरफेसेस को ग्रेज कर रहा है? वो इन फोर सरफेसेस को ग्रेज, इट इज ग्रेजिंग दीज फोर सरफेसेस, इसलिए इनमें से फ्लक्स जीरो हो जाए। और बाकी जो चार सरफेसेस बची, कौन कौन सी? ए बी जी एच। सर दो सरफेसेस ही ना, बाकी जो दो सरफेसेस बची, सॉरी, ए बी जी एच एंड सी डी ई एफ। ये दो सरफेसेस जो हैं, दे लाई कंप्लीटली इनसाइड इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट्स। ये पूरी की पूरी कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर गई हुई, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर अंदर मैंने इनको कंसिडर किया, ठीक है। और कंडक्टिंग प्लेट के अंदर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन पर तो ई जीरो ही होना चाहिए, इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे क्यूब में से फ्लक्स जीरो पास होगा, ठीक है। इस पूरे क्यूब में से फ्लक्स कितना पास होगा? जीरो पास, ठीक है बच्चों। जैसे ये कंडक्टिंग प्लेट है अपने पास, ये दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स आमने सामने रखी हुई है। मैंने कैसा क्यूब बनाया है बच्चों, जो कि जिसकी दो सरफेसेस तो इसके पूरे अंदर ही अंदर है, और बाकी चार जो है वो इसके परपेंडिकुलर। तो इस क्यूब में से फ्लक्स जीरो पास हो, अगर इस क्यूब में से फ्लक्स जीरो पास हो रहा है, इसका मतलब चार्ज इनसाइड द क्यूब जीरो होना चाहिए। इस क्यूब के अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, इस क्यूब के अंदर कौन कौन सी दो सरफेसेस हैं? एक तो ये वाली और एक ये वाली, यही दो तो हैं। ये बाहर वाली तो क्यूब के बाहर है ना, ये तो क्यूब के बाहर हो गई। आउटर एजेस आर आउटसाइड द क्यूब, ओनली इनर एजेस आर इनसाइड द क्यूब। तो उन इनर एजेस पे क्या होगा,
मिलाकर के चार्ज जीरो होना चाहिए, यानी ये वाई और जेड एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्या ये वाला लॉजिक समझ में आया बच्चों? शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर आपने दो इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट ली हैं, तो क्या होगा, उनके इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, एक तरफ x आएगा तो दूसरी तरफ माइनस x, एक तरफ x आएगा तो दूसरी तरफ डेफिनेटली कितना आएगा, माइनस x ही। बोलो बच्चों, अब देखो बाहर वाली जो सरफेसेस हैं उस पे चार्ज मान लो कि कुछ z1 आया एक पे, दूसरे पे z2 आया। अब आप देखो, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, ये पॉइंट पॉइंट P है, E एट पॉइंट P मस्ट बी जीरो। अब E एट पॉइंट P अपन कैसे लिखेंगे, देखो चार सरफेस चार डेंसिटी हो गई, एक दो तीन चार, ठीक है, तो Z1 की वजह से कितना होगा, Z1 by A divided by 2 epsilon naught and it will be towards right, इस वाले X की वजह से कितना होगा, X by A divided by 2 epsilon naught and it will be towards left, पॉजिटिव है अपने से अवे, Z1 को भी पॉजिटिव माना अपने से अवे। फिर माइनस x की वजह से कितना होगा, x by a divided by 2 epsilon naught और वो अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब towards right। और Z2 की वजह से क्या होगा, Z2 by a divided by 2 epsilon naught and it will be towards left। अब इन चारों का एडिशन जब आप करोगे तो क्या ये दोनों मिलकर के तो जीरो कर ही देंगे, ये दोनों मिलकर के तो ई को जीरो कर देंगे। अब इन दोनों का भी, एक का राइट में है एक का लेफ्ट में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाना चाहिए। ये पी पॉइंट पर लिख रहे हैं, इस पी पॉइंट पर लिख रहे हैं इन सब की वजह से। तो देखो Z1 की वजह से राइट में, X इस वाले X की वजह से लेफ्ट में, इस माइनस X की वजह से राइट में और Z2 की वजह से लेफ्ट। तो ये जो इनर सरफेसेस हैं ये तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी नहीं, और ये वाली जो बाहर वाली जो दो सरफेसेस हैं इनको एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होके काम चल सकता है क्या, Z1 पॉजिटिव हो जाए Z2 नेगेटिव हो जाए तो P पर जीरो हो पाएगा क्या, Z1 पॉजिटिव हो गया तो वो प्रोड्यूस करेगा राइट में, Z2 नेगेटिव हो गया तो वो भी राइट में प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, Z1 एंड Z2 मस्ट बी ऑफ सेम साइन एंड Z1 मस्ट बी इक्वल टू E at P zero, इसका मतलब बाहर वाली सरफेस का चार्ज तो बराबर ही होना चाहिए, ठीक है? इस पूरे डिस्कशन को हम कैसे समराइज कर सकते हैं, अगले पेज पे देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं, तो क्या होगा, जो इनर सरफेसेस हैं
उस पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे तो बराबर बराबर चार्ज आएगा। इससे एक चीज और बोल सकते हो, इफ टोटल चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स इज क्यू टोटल देन वाई प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, ये क्यू टोटल के बराबर आ जाएगा, यानी टू वाई इज इक्वल टू क्यू टोटल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q टोटल बाय ये बाहर की दो सरफेसेस पर तो q टोटल बाय टू चार्ज आ जाएगा और अंदर वाली पर x और माइनस x इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर जैसे बाहर वाली पे q बाय टू आता है वैसे अंदर वाली पे कितना चार्ज आएगा, मतलब हम लोग अंदर वाली पर तो पता लगा सकते हो है ना, अंदर वाली पर क्या होगा कि जो पहली प्लेट पे जो चार्ज होगा टोटल उसमें से तुम y को सब्ट्रैक्ट कर दो तो अंदर वाली ये वाला नोट कर लिया सबने, मैं एग्जांपल लूंगा अभी क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट पेज दिखाओ ना। हाँ ये वाला नोट कर लिया पहले, अच्छा फिर लास्ट पेज देख लिया और इसके पहले का देखना है। नो सर। अगले पेज पे चलें भाई। मान लो कोई हमसे कह दे कि भाई क्या है आपके पास ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, और दीज आर टू इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, have charges q and three q, then find charges on each of the surfaces of these conducting plates.
जैसे इसके पास चार्ज है क्यू और इसके पास है, देखो हमें पता है जो आउटर सरफेसेस होती उन पे चार्ज कितना आ जाता है, टोटल चार्ज का आधा आधा, तो क्यू प्लस थ्री क्यू बाई टू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टू क्यू, ये चार्ज आ जाएगा चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस। तो आ जाएगा कितना, 2q और ये चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस इतना आ जाए। अब इनर सरफेसेस पे देखना है तो देखो ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है इस पे टोटल चार्ज q होना चाहिए, उसमें से 2q राइट में भेज दिया आपने तो अंदर के लिए कितना बचा, माइनस q होना चाहिए, तभी तो जाकर के टोटल क्यू आ पाए। अब राइट वाली प्लेट पे आ जाओ, थ्री क्यू है उसमें से टू क्यू राइट में चला गया तो लेफ्ट में क्यू आना चाहिए, तभी इन दोनों का एडिशन थ्री क्यू के बराबर आना चाहिए। और इससे आमने सामने चार्ज इक्वल एंड अपोजिट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, तुम लोग करना उसको आंसर, सब लोग बताना। कितना कितना आएगा बच्चों बताते जाओ। जैसे मान लो सरफेस के मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो चार्ज ऑन ए कितना आएगा, चार्ज ऑन बी कितना आएगा, चार्ज ऑन सी कितना आएगा, चार्ज ऑन डी कितना। सबसे पहले कौन सा चार्ज पता चलेगा अपने को, ए और डी वाला। तो चार्ज ऑन ए को कैसे लिखेंगे, और चार्ज ऑन डी को भी कैसे लिखेंगे, माइनस क्यू बाई टू। और बी पे कैसे लिखे हैं आप, फिर ए और बी के चार्ज का सम क्यू होना चाहिए, तो बी पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस माइनस क्यू बाई टू यानी के थ्री क्यू बाई टू। और सी पे जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस टू क्यू माइनस माइनस क्यू बाई टू यानी
माइनस थ्री क्यूब बाय बिल्कुल सही बताया है तनिष का, बिल्कुल सही आंसर आया। यश ने भी सही। ने गड़बड़ी करी है, पीयूष सिंह ने गड़बड़ी करी है। संजय ने भी सही बताया। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक बात बताओ, इन अबाव प्रॉब्लम फाइंड ई बिटवीन द टू प्लेट्स, जो दो प्लेट्स के बीच वाला रीजन है उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा बच्चों, देखो समझो। पीयूष ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, एक और सही आंसर आया, वेरी गुड। जैसे ये दो अब इस चीज को समझो तुम कि ए और डी पे चार्ज माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू था, और बी पे चार्ज था थ्री क्यू बाई टू और माइनस थ्री क्यू बाई तो इस पी, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या एक बात बताऊं, ये बाहर वाली जो दो सरफेसेस हैं, ये दोनों मिला के पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे? बाहर वाली जो दो सरफेस, ये दोनों मिलाकर के जीरो प्रोड्यूस करेंगी, ये माइनस क्यू बाई टू वाली अपनी तरफ और ये माइनस क्यू बाई टू वाली अपनी तरफ, तो इनकी वजह से तो जीरो हो जाएगा।
और ये 3q/2 और -3q/2 वाले किधर प्रोड्यूस करेंगी, 3q/2 वाली प्रोड्यूस करेगी अपने से अवे और -3q/2 वाली प्रोड्यूस करेगी अपनी तरफ, तो इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन हर बार ऐड होगा, इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन हर बार ऐड होगा। तो हम एक की वजह से लिखें उसका दुगना कर दें, तो 2 × 3q/2 / 2a ε, तो क्या हो जाएगा 3q/2a ε0। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, आप इसको एक तरीके से और भी सोच सकते थे कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, अगर टोटल चार्ज पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये क्यू प्रोड्यूस करेगा कितना q/2a ε0, और ये -2q किधर प्रोड्यूस करेगा अपनी तरफ 2q/2a ε0। तो इन दोनों को ऐड करके भी आप निकालोगे तो वो 3q/2a ε0 आ जाए। ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो ऐसे अगर मान लो, हाँ क्या डाउट है बेटे, कुछ डाउट है? और देखो और एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्या है, तीन प्लेट दे दी साहब और कहा के चार्ज इनके ऊपर है कितना q 2q और q 3q और -2, ऐसा। तो हमें पता करना है फाइंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द 6 सरफेस, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी, सरफेस डी, सरफेस ई, सरफेस एफ, इन 6 की 6 सरफेसेस का चार्ज आपको पता find charge on each of the 6 surfaces. Sir, एक doubt है।
सर अभी ना ग्रुप पे टाइम टेबल आया है, तो कल बोर्ड का क्लास लगाया है, तो बोर्ड में आप कौन से बोर्ड का सिखाओगे? यार वो क्लास मैं नहीं लूंगा, वो कोई और सर लेंगे, और वो अभी तो वही सिखा देंगे जो कि दोनों बोर्ड का कॉमन होगा, है ना? जो भी अभी सीबीएसई और एचएससी का दोनों का जो कॉमन होगा वही सिखा देंगे। फिर बाद में जब वो कॉमन वाले चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो फिर जो अलग है वो वाला नंबर आ जाएगा। या शायद अच्छा किसी ने ये कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है किसी के स्कूल के एग्जाम में, किसी का आने वाला था ना बच्चों, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। हाँ एनजीएम वाले बोले थे। हाँ तो इन लोगों को पढ़ा देंगे, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे, तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स तो काफी है ही सही सब लोगों के, तो वो सर तो सीबीएसई वाले ज्वाइन करे उसको। देख लेना कल मिलकर डिसाइड कर लेना सर से, जो भी तुम लोग कहोगे वो पढ़ा देंगे, है ना? अगर एमजीएम वालों का अभी अर्जेंसी है तो पहले वो वाला ले लेना। ये बात समझ में आती है भाई? टेस्ट ऑफ, एक बच्चा पूछ रहा था टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या था। टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं, इस चीज का टेस्ट, वेदर दैट ऑब्जेक्ट हैज चार्ज, तो इसको कहेंगे टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बताओ इसका दो आंसर, क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं? क्या क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्या नहीं होता तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं होनी चाहिए, कैविटी के अंदर हो सकती है। देखो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम चार्ज पता कर लेंगे कहां पर, ए पर और एफ पर, तो वो आ जाएगा क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई, तो क्यू प्लस थ्री क्यू आ जाएगा फोर क्यू, फोर क्यू में से टू क्यू गया तो टू क्यू, और टू क्यू बाई टू किया तो क्यू आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा ए पर और एफ। अब रही बात बी की, तो
तो बी पे चार्ज कितना होगा, क्यू माइनस चार्ज एट ए, तो वो जीरो हो जाए। ठीक है, अगर बी पर जीरो हुआ है इसका मतलब सी पर भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। और सी पर अगर जीरो हुआ तो डी पर हो जाएगा थ्री क्यू माइनस चार्ज एट सी, तो वो थ्री क्यू के बराबर ही हो जाएगा। और अगर डी पर थ्री क्यू हुआ तो इसका मतलब ई पर होना चाहिए माइनस थ्री क्यू, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। और ई पर माइनस थ्री क्यू है और एफ पर क्यू है, तो इन दोनों का एडिशन माइनस टू क्यू आ रहा है, जो आना भी चाहिए, तो एक तरह का वेरिफिकेशन भी हो गया। तो फाइनल आंसर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, ए बी सी डी ई एफ, ये छह सरफेसेस हैं और इन पे चार्ज क्या क्या आ रहे हैं, ए पर आ गया क्यू, बी पर आ गया जीरो, सी पे आ गया जीरो, डी पे आ गया थ्री क्यू, ई पर आ गया माइनस थ्री क्यू और एफ पे आ गया क्यू, वो पहले ही बता देते हैं। ये ऐसे चार्ज है, क्या ये समझ में आ गई बात बच्चों सबको? इस सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है और ये वाली प्लेट थ्री है, तो मैं आपसे पूछूं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट वन एंड प्लेट टू, वी पी वन माइनस वी पी टू की वैल्यू बता दो। या देखो समझो, मैं तुम्हें पूरा बताता हूँ कैसे। तीन प्लेट्स, और चार्ज कैसे कैसे आए बच्चों इन प्लेट्स पर, क्यू जीरो जीरो थ्री क्यू, क्यू जीरो जीरो थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू, और इस पे टोटल चार्ज था क्यू, इस पे था थ्री क्यू, इस पे था माइनस। अच्छा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको मैं रीजन वन कहूँ और किसको रीजन टू, या मान लो यहां पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया M और यहां कोई पॉइंट मैंने ले लिया N, तो E एट M की वैल्यू क्या हो? E एट M मैं कहता हूं जीरो ही हो जाएगा सर, E at M will be zero. क्यों? देखो ये वाला और ये वाला मिलकर के जीरो प्रोड्यूस कर देंगे, ये Q प्रोड्यूस करेगा राइट में और ये वाला Q प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट में, और ये 3Q और माइनस 3Q भी मिलकर के जीरो प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्लस 3Q प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट में और माइनस 3Q प्रोड्यूस करेगा राइट में। तो जो रीजन वन है, इस पूरे रीजन वन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाए। अब एन पॉइंट की बात करते हैं, एन पॉइंट पर जो आएगा वो आएगा थ्री क्यू बाय ए एप्सिलॉन, क्योंकि
क्यों? देखो फिर से ये क्यू और ये क्यू मिलकर के एन पॉइंट पे जीरो प्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं तो वो तो जीरो ही प्रोड्यूस कर ही रहा है। अब ये वाला थ्री क्यू प्रोड्यूस करेगा राइट में और माइनस थ्री क्यू प्रोड्यूस करेगा राइट। एक थ्री क्यू की वजह से होगा थ्री क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी थ्री क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो ऐड होकर के हो जाएगा थ्री क्यू बाई ए एप्सिलॉन। ये ऐसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा कोई हमसे कहे कि बी पी वन माइनस बी पी टू पता करो, प्लेट वन और प्लेट टू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, या प्लेट टू और प्लेट थ्री के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करो। तो प्लेट वन और प्लेट टू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो। मान लो ये गैप डी डी दिए हुए हैं, दोनों के बीच का गैप कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो वी पी टू माइनस वी पी थ्री। अच्छा पी टू हाई पोटेंशियल पे होगा क्या, प्लेट थ्री हाई पोटेंशियल पे होगा या प्लेट टू हाई पोटेंशियल पे होगा? विच प्लेट विल बी एट हाई पोटेंशियल, पी टू और पी थ्री? प्लेट टू विल बी एट हाई पोटेंशियल, वेरी गुड। कितना होगा प्लेट टू का पोटेंशियल, प्लेट थ्री से कितना ज्यादा होगा? डेल्टा वी इक्वल टू ई डेल्टा डी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, थ्री क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन, ये पोटेंशियल ऑफ प्लेट टू माइनस पोटेंशियल ऑफ प्लेट। सर प्लेट वन और प्लेट थ्री के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? हाँ होगा ना यार, क्यों नहीं होगा, इतना ही होगा थ्री क्यू बाई थ्री क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन, कितना होगा थ्री क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट की। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? भाई क्योंकि प्लेट वन और प्लेट टू का पोटेंशियल बराबर है ना, प्लेट वन और प्लेट टू का पोटेंशियल बराबर है, तो यहाँ पर आप वी पी टू की जगह वी पी वन भी लिख सकते हैं, नहीं तो वी पी वन माइनस वी पी थ्री भी क्या हो जाएगा थ्री क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब yes, sir. ध्यान देना के इसी में एक टाइप के सवाल और बन जाते हैं कि जैसे हमसे कहा जाए भाई ये तीन प्लेट्स, और पहली और दूसरी प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें दिया गया है कितना डी, और दूसरी और तीसरी प्लेट के बीच का सेपरेशन हमें दिया गया है 2d, ठीक है, और इन पे चार्ज है कुछ q, 2q और 3q, मान लो ऐसा, या 3q मतलब ले लो,
इन पे अभी चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या बता सकते हो? फटाफट बताएं, अगर क्यू प्लस टू क्यू, थ्री क्यू, थ्री क्यू और क्यू फोर क्यू, तो इधर आ जाएगा फोर क्यू बाई थ्री, इधर भी आ जाएगा फोर क्यू बाई थ्री, क्यू में से फोर क्यू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ माइनस क्यू बाई थ्री, यहाँ माइनस क्यू बाई थ्री, तो इधर प्लस क्यू बाई थ्री, टू क्यू में से क्यू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो इधर आ जाएगा फाइव क्यू बाई थ्री, यहाँ फाइव क्यू बाई थ्री, तो यहाँ पर माइनस फाइव, टू क्यू में से क्यू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव, टू क्यू में से क्यू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव क्यू बाई थ्री आएगा। दो और एक तीन और एक चार, अच्छा सॉरी सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, तीन में क्यों डिवाइड कर, तीन में थोड़ी डिवाइड करते हैं इसको, कितने में डिवाइड करते हैं, दो में डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, मैंने गलत किया, क्यू प्लस टी क्यू, थ्री क्यू, थ्री क्यू और क्यू, फोर क्यू, फोर क्यू का आधा कर दो तो टू क्यू, तो इधर आ जाएगा टू क्यू और इधर भी आ जाएगा टू क्यू, इधर टू क्यू है लेकिन टोटल क्यू होना चाहिए तो यहाँ माइनस क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ क्यू होगा, ये टू क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, टोटल टू क्यू होना चाहिए तो राइट में भी क्यू आएगा, ये क्यू है तो इधर माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू और टू क्यू ऐड होकर क्यू हो रहा है, इस तरह से चार्जेस इनके पास रहेंगे या नहीं ये बात समझ में आती, बाय टू करना है, यस बाय थ्री नहीं करना, बाय टू। अब हमने क्या किया, ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, ये प्लेट, प्लेट वन एंड प्लेट थ्री आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, देन फाइंड final charges on them। इनको हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया बच्चों, और उस कंडक्टिंग वायर से इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन ज्वाइन कर दिया, मतलब इस स्विच को क्लोज कर दिया, प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया, मतलब क्या कर दिया, स्विच को क्लोज कर। अब देखो इसको करने का एक बार तरीका तो देख लो कैसे करते हैं, हम लिखेंगे आफ्टर एस एस क्लोज देखो एक बात तो ये समझने की है कि जो P2 प्लेट है वो तो बेचारे बीच में बैठी हुई है, उसको किसी ने कनेक्ट नहीं किया तो उसका जो टोटल चार्ज है वो तो उतना का उतना ही रहे, उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, उसका टोटल चार्ज उतना का उतना ही रहेगा, वन और थ्री में चार्ज शेयरिंग होगी और इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी कि उनका पोटेंशियल बराबर आ जाए, पोटेंशियल ऑफ पी वन बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पी। अच्छा इन तीनों पे मिलाकर के भी टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, क्या होगा, क्या क्या मैं बोल सकता हूं इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज मिलाकर के उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज मिलाकर के आप देखोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज ही, तो अगर टोटल चार्ज उतना ही रहा है बच्चों तो हम क्या बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट प्लेट्स के चार्ज पे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये 2q रहेगा और इधर वाला भी 2q रहेगा, ठीक है। अब इधर x मान लेते हैं तो यहाँ माइनस x आ जाएगा, ये माइनस x है, बीच वाली प्लेट का तो टोटल चार्ज 2q रहेगा तो राइट में आ जाएगा 2q प्लस x, और इधर आ जाएगा
माइनस ऑफ टू क्यू प्लस अब अपने पास देखो P1 और P3 का मिलाकर के टोटल चार्ज 2Q था, अभी भी इन दोनों का मिलाकर के टोटल चार्ज 2Q ही है। देखो 2Q प्लस X यहां है माइनस 2Q प्लस X, तो इसको 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 और इसको ऐड करोगे तो टोटल 2Q का 2Q ही रहे, है ना। अब देखो क्या है, इस रीजन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या x बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते, रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 2q प्लस x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते, ठीक है। तो यहां से लेकर वहां तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, x बाई ए एप्सिलॉन नॉट इन टू डी प्लस 2q प्लस x बाई ए एप्सिलॉन नॉट इन टू टू डी, ये जीरो आना चाहिए। तो d बाई ए एप्सिलॉन नॉट से d बाई ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो x प्लस 4q प्लस 2x दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 4q बाई, ऐसी x की वैल्यू x आ जाएगा कितना माइनस 4q बाई, क्या ये बात समझ में आती। एक बार x आ गया तो बाकी सब पे चार्ज पता चल गया, मैंने क्या किया ये चीज मैंने क्या लिखी है बच्चों, ये चीज लिखी है प्लेट वन और प्लेट थ्री के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी पी वन माइनस बी पी थ्री को जीरो किया है, और कैसे लिखा ई वन डी वन प्लस ई टू टू डी टू, ई वन डी वन प्लस ई टू डी, ये बात है बच्चों। बाकी इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा अब खत्म हो चुका है बेसिकली। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो ये खत्म हो चुका है एक तरीके से, कुछ एक मिसलेनियस टाइप के एग्जांपल्स हैं ये, है ना, दीज आर सम मिसलेनियस एग्जांपल्स। सर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ वैसे तो अभी भी खत्म करने को मैं बोल सकता हूँ भाई खत्म हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ऐसे हुआ ना यार, अभी बताया तो था मैंने भाई दो कंडक्टर्स को जब कनेक्ट करोगे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए ना, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करेगा, दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज कब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। अच्छा अगली क्लास के लिए आप लोग होमवर्क भी लिख लो यार, होमवर्क में क्या रहेगा सर? हाँ सर वो आप उसका रीजन बता सकते हो कि दोनों प्लेट के आउटर सरफेसेस पे चार्ज 2q ही क्यों रहा, तो भी कनेक्ट किया तो भी हम लोग ने यार इन तीनों पे आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आता है तू बता, कैसे पता लगाते हैं आउटर सरफेस का चार्ज? सर हम लोग तो तीनों को ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, पर इसको कर देते हैं तो क्या तीनों का चार्ज का एडिशन अभी चेंज होगा क्या? नहीं नहीं होगा ना, तो बाय 2 करोगे तो वही आएगा सर। पर अभी हम लोग ने दो लोग को कनेक्ट किया तो हम लोग वो लोग का स्पेसिफिक नहीं लेंगे, तीनों का ही लेना पड़ेगा क्या फिर से? तीनों का ही लेना होगा, तीनों का ही। सर शीट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें मतलब दोनों स्पीयर्स को कनेक्ट किया गया था, तो वो वाले सम्स भी थोड़े करा सकते हैं क्या सर? मैंने कराया था इस स्पीयर्स को कनेक्ट करने वाला, ऐसे वो कंडक्टिंग वाला था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। हाँ तो वो जब एग्जांपल में जब आएगा शीट में तब बता दूंगा ना।
ओके सर। एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू पार्ट वन कंप्लीट, ये अगली क्लास के लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ अरे भाई पीसीपी वाले रुकना, पीसीपी वालों का अभी तो चालू होगा ठीक है, ये पुराना पिछला वाला बैच करना।